हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल, इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के एक और यूनिट ऑपरेशन मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मिक्सिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन क्या है इसके और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी मिक्सिंग की प्रोसेस को, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिक्सिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्सिंग को आमतौर पर अगर हम दो सब्सटेंस को आपस में अच्छे से मिलाते हैं तो उसको हम मिक्सिंग बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो वो डेफिनेशन है, मिक्सिंग में बी डिफाइंड एज एन यूनिट ऑपरेशन विच रिजल्ट इन ए स्टेट इन विच ईच पार्टिकल ऑफ वन मटेरियल लाइज एज नियरली एडजेसेंट एज पॉसिबल टू द पार्टिकल ऑफ द अदर मटेरियल। मीन्स मिक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम, अगर हमारे पास दो या दो से अधिक सब्सटेंस है, उनके जो पार्टिकल है उनको हम एक दूसरे के जितने पास ले आते हैं उस प्रोसेस को हम मिक्सिंग बोलते हैं। जो मिक्सिंग की प्रोसेस है, मिक्सिंग इज यूज टू मिनिमाइज नॉन यूनिफॉर्मिटी प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इन बल्क। मीन्स जो भी हमारा सब्सटेंस है उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी को मिनिमाइज करने के लिए, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को थ्रू आउट द सिस्टम मेंटेन करने के लिए और जो टेम्परेचर है उसको भी थ्रू आउट द सिस्टम कॉन्स्टेंट रखने के लिए हम मिक्सिंग की प्रोसेस को यूज करते हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है सिंपल फिजिकल एडमिक्सिंग। अगर हमें दो सब्सटेंस को सिंपली आपस में मिक्स करना है तो हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। अगर हमें कोई फिजिकल चेंज करना है तो उस कंडीशन में भी हम मिक्सिंग की प्रोसेस को यूज करते हैं। मींस अगर हमें किसी सॉलिड को सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद हम, अगर हमें डिस्पर्सन करना है, मीन्स अगर किसी लिक्विड में कोई भी कलर डिस्पर्स करना है, फैलाना है, तो उस कंडीशन में भी हम मिक्सिंग की प्रोसेस को यूज करते हैं। और रिएक्शन अगर हो रही है कोई तो उसको प्रमोट करने के लिए कि रिएक्शन प्रॉपरली हो, हम उसके अंदर मिक्सिंग करते हैं। ये जो हमारी मिक्सिंग की प्रोसेस है इसमें इसको हम खाली दो सब्सटेंस को आपस में मिलाने के लिए ही नहीं यूज करते हैं। अगर हमें हीट ट्रांसफर करना है उस कंडीशन मिक्सिंग करते हैं, अगर हमें मास ट्रांसफर करना है तो उस कंडीशन में भी हम मिक्सिंग करते हैं, अगर सॉलिड को सस्पेंशन में कन्वर्ट करना है वहाँ पे भी मिक्सिंग यूज होती है, और केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए भी हम मिक्सिंग को यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे मिक्सचर हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव मिक्सचर्स के बारे में। तो जो हमारा पॉजिटिव मिक्सर होता है इसमें अगर हम फोर्स नहीं यूज करते हैं उसके बाद भी हमारा सब्सटेंस है डिफ्यूजन के कारण आपस में मिक्स हो जाता है, और वो मिक्सचर अगर इररिवर्सिबल होता है तो हम उसको पॉजिटिव मिक्सचर बोलते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर हम कोई लिक्विड है उसमें कोई कलर ऐड कर रहे हैं तो क्या है कि उसके अंदर जब हम कलर ऐड कर देते हैं तो हमें कोई ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता, बट जब वो मिक्स हो जाता है कलर तो फिर वहाँ से वो इररिवर्सिबल नहीं होता, कलर आप उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते। वो सिंपली एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप अपने रूम में रूम जो है फ्रेशनर अगर डालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप एक प्लेस पे रूम फ्रेशनर को अप्लाई कर देते हैं और उसकी स्मेल थ्रू आउट द रूम फैल जाती है, कोई भी फोर्स आपने नहीं अप्लाई किया और जो स्मेल फैली वो इररिवर्सिबल स्मेल हो जाएगी। मीन्स जो गैस है उसके अंदर जो भी आपकी आपका परफ्यूम था वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद जो हमारा दूसरा मिक्सचर है वो है निगेटिव। इसमें क्या होता है कि हम हाई डिग्री ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं मिक्सिंग के लिए, बट जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि हमारा सब्सटेंस फिर से अनमिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका अगर हम सिंपल एग्जांपल लें कि अगर किसी सॉलिड को हम लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं, सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं, तो क्या होता है कि जब तक हम उसको सेक करते हैं तब तक तो वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जैसे ही हम उसको रख देंगे सॉलिड अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो हमारा मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा। इस कंडीशन में हमने फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन जब तक हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते रहते हैं तब तक तो वो मिक्स्ड रहता है, और जैसे ही हम फोर्स को विथड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि हमारा सब्सटेंस फिर से अनमिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है हमारा न्यूट्रल मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि
हमको मिक्स करने के लिए फोर्स तो अप्लाई करना होता है, लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई करके उसको मिक्स कर देते हैं उसके बाद में वो सेपरेट नहीं होता, मिक्सिंग हमारी इरिवर्सिबल जो है नहीं होती। मीन्स अगर हमें कोई पेस्ट प्रिपेयर करना है, ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना है, या सिंपली दो पाउडर्स को आपस में मिक्स करना है, तो मिक्स करने में फोर्स अप्लाई हमें करना पड़ेगा। बट जब हम फोर्स रिमूव कर देंगे, मिक्सिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारा सब्सटेंस फिर से जो है अलग अलग नहीं होगा। अब हम इस प्रोसेस के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन। जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं मिक्सिंग करनी पड़ती है। मिक्सिंग इज एन इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेवरल डोजेज फॉर्म। जितनी भी डोजेज फॉर्म है उन सब में मिक्सिंग एक इंटरमीडिएट स्टेप है जिसको हम यूज करते हैं। वेट मिक्सिंग इन द ग्रेनुलेशन स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट एंड कैप्सूल। वेट मिक्सिंग को हम यूज करते हैं जब हम टेबलेट और कैप्सूल के लिए ग्रेन्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं, और जो ड्राई मिक्सिंग है उसको भी हम अलग अलग इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं जब भी हम टेबलेट या कैप्सूल या कोई भी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। इसका जो अगला एप्लीकेशन है वो है, हम ड्राई मिक्सिंग यूज करते हैं कैप्सूल के लिए, अगर हमें ड्राई सीरप प्रिपेयर करना है वहाँ पे भी हम मिक्सिंग यूज़ करते हैं, और अगर कोई कंपाउंड पाउडर है तो वहाँ पे भी हमको मिक्सिंग करनी पड़ती है। उसके बाद इसका जो अगला एप्लीकेशन है, ब्लेंडिंग ऑफ द पाउडर आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, फेशियल पाउडर एंड डेंटल प्रोडक्ट। इसको हम अगर हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी जो है फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको मिक्सिंग करनी ही पड़ेगी अगर उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हमारी मिक्सिंग की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसके पार्टिकल स्मूथ है तो उस कंडीशन में मिक्सिंग अच्छी होगी, और अगर पार्टिकल स्मूथ नहीं है, उनकी जो सरफेस है वो खुरदुरी है, तो उस कंडीशन में मिक्सिंग के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और मिक्सिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। अगला जो हमारा फैक्टर है वो है पार्टिकल साइज। अगर हमारे सब्सटेंस का जो पार्टिकल साइज है वो यूनिफॉर्म है, अगर दो या दो से अधिक हमारे पास सब्सटेंस है जिनको हमको मिक्स करना है, उनका पार्टिकल एक साइज के हैं, तो मिक्सिंग की प्रोसेस आसान रहती है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं कि अगर पार्टिकल साइज अलग अलग है तो उस कंडीशन में मिक्सिंग में हमें प्रॉब्लम आती है। तो जो उसके बाद अगला जो हमारा है फैक्टर वो है पार्टिकल शेप। अगर हमारे सब्सटेंस का पार्टिकल का शेप जो है सेम है, मीन्स उस कंडीशन में मिक्सिंग हमारी अच्छी होती है। अगर पार्टिकल हमारा स्फेरिकल है तो उस कंडीशन में हमें सबसे अच्छी मिक्सिंग प्राप्त होती है। उसके बाद है पार्टिकल चार्ज। काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है चार्ज उनके अंदर क्रिएट हो जाता है जब वो मूव करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज उसके अंदर डेवलप हो रहा है तो मिक्सिंग में हमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, मीन्स जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका प्रोपोर्शन क्या है। अगर दो पाउडर हमें आपस में मिक्स करने हैं और उनकी क्वांटिटी इक्वल है तो उस कंडीशन में मिक्सिंग हमारी सबसे अच्छी होगी। अगर उनके प्रोपोर्शन में अंतर है, मीन्स एक की क्वांटिटी कम है दूसरे की ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी हमें डिस्टर्बेंस होगा। अब जो अगला फैक्टर है वो है रिलेटिव डेंसिटी। अगर हमारे सब्सटेंस जिनको हमें मिक्स करना है उसकी डेंसिटी में अंतर है तो वहाँ पे भी हमें दिक्कत आती है। अगर सेम डेंसिटी का सब्सटेंस होगा तो आसानी से मिक्स्ड हो जाएगा और वो अनमिक्स नहीं होगा, लेकिन अलग अलग वो डेंसिटी का होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सब्सटेंस हमारी वो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। लिक्विड और लिक्विड की मिक्सिंग करते हैं, वो लिक्विड मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में जो विस्कोसिटी है वो भी अपना काफ़ी इम्पैक्ट इस पे डालती है हमारी मिक्सिंग की प्रोसेस पे। मीन्स अगर विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी मिक्सिंग के लिए आपको उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको मिक्सिंग के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो हाँ, वो जो भी टेम्परेचर है हमारे सब्सटेंस का, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो है विस्कोसिटी हमारे सब्सटेंस की कम होती जाएगी और मिक्सिंग आसान होगी।
उसके बाद में है मिक्सचर वॉल्यूम, जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम अपने इक्विपमेंट को पूरी तरह से ऊपर तक भर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। मीन्स हम अपने इक्विपमेंट के वॉल्यूम के अनुसार ही अपने सब्सटेंस के वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे। उसके बाद में है जो एजिटेटर टाइप, जो भी हम वहाँ पे एजिटेशन यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए, हम वो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारी मिक्सिंग की प्रोसेस को। अगला फैक्टर है स्पीड आरपीएम ऑफ द इम्पेलर। इम्पेलर मीन्स जो हम लोग जब घरों में यूज करते हैं अपने सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए मथानी, उसको हम इम्पेलर बोलते हैं। तो जो भी हमारा इम्पेलर है उसकी स्पीड और उसका आरपीएम भी हमारे सब्सटेंस के मिक्सिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग करते हैं। और अंतिम में है मिक्सिंग टाइम, मीन्स कितने समय तक हमको मिक्सिंग करना है। जितना ज़्यादा समय तक हम मिक्सिंग करेंगे उतनी ही अच्छी हमें मिक्सिंग प्राप्त होगी, उतना ही अच्छा हमें मिक्सचर प्राप्त होगा। बट अगर आपके पास एक वो लिमिटेशन है, इतने टाइम में आपको अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, तो उस समय आप इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने टाइम में आपको प्रॉपर मिक्सिंग प्राप्त हो रही है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मिक्सिंग का हमारा पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।